नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज इंट्राडे में हमने ट्रेड करके किस तरीके से 116,000 रुपए का प्रॉफिट लिया है। ये जो हमने प्रॉफिट लिया है वो इंट्राडे में लिया है, एक दिन में लिया है, कैश मार्केट में ट्रेड बना के लिया है। और जिस तरीके से आज हमने ट्रेड बनाए थे वो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जब भी कोई भी ऐसे पैटर्न आपको दिखे चार्ट पे तो उस पे आप ट्रेड बना के अपना मुनाफा कर सके। तो दोस्तों ये जो वीडियो है पूरी तरीके से एजुकेशनल है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी हम कोई वीडियो आगे अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कई दिनों से दो स्टॉक के बारे में रिकमेंड कर रहा था आपको, कि मैं बोल रहा था इनको सेल करके चलिए। वो दो स्टॉक थे दोस्तों, एक तो था सिप्ला और दूसरा था ओरफ फार्मा। तो मैं पहले इन दोनों स्टॉक के आपको चार्ट दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हमने जो अच्छा पैसा कमाया है वो सिप्ला और ओरफ फार्मा में ही कमाया है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपना प्रॉफिट शेयर करूं, प्रॉफिट दिखाऊं। तो पहले मैं आपको दोस्तों ना लेजर दिखा देता हूं, क्योंकि कई लोग यकीन नहीं करेंगे। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे अपना प्रॉफिट शेयर करते रहते हैं आपके साथ। तो मैं पहले क्या करता हूं कि मैं आपको पहले आज के ट्रेड अपने दिखा देता हूं, फिर उन ट्रेड के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले रिफ्रेश करता हूं इसे। ये देखिए ये आज का लेजर है और मैंने क्या करा, रिफ्रेश करा। ये देखो आपके सामने रिफ्रेश हो रहा है, ये रिफ्रेश करा है मैंने। अब मैं क्या करता हूं, आज के अपने ट्रेड बताता हूं। तो मेरा पहला जो दोस्तों ट्रेड था उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, वो था माइंडट्री का। पहले देखिए एनएससी इक्विटी में मैंने ट्रेड बनाया है माइंडट्री में, और इसमें मैंने आज पैसे कमाए हैं 13,740 रुपए मैंने माइंडट्री में लिए हैं। सन टीवी में दोस्तों मैंने ट्रेड करके पैसे कमाए हैं कुछ 14,200 रुपए के आसपास। इसके साथ साथ मैंने बायोकॉन में ट्रेड बनाया था तो इसमें मैंने कुछ 5,850 रुपए कमाए हैं। इसके साथ साथ मैंने विप्रो में ट्रेड लिया था, विप्रो में दोस्तों मैंने 8,000 रुपए कमाए हैं, 8,022 रुपए कमाए हैं। इसके साथ साथ मैंने M&M में काम किया था, उसमें मैंने 204,626 रुपए कमाए हैं। तो मुझे अच्छे पैसे मिले थे, वो मुझे मिले थे दोस्तों सिप्ला में। यहाँ पे देखिए सिप्ला और ओरो फार्मा में, इन दोनों स्टॉक में मुझे अच्छे पैसे आए थे। सिप्ला में दोस्तों मुझे मिले हैं 36,549 रुपए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और दूसरा मुझे ओरो फार्मा में मिले हैं 33,730 रुपए। तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट है दोस्तों उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ। मेरा आज का जो प्रॉफिट है वो 1,16,718 है, यानी कि मोटा मोटा मान के चलिए 1,17,000 रुपए के आसपास का आज मुझे प्रॉफिट आया है इंट्राडे में कैश मार्केट में काम करके। देखिए सबके सब इक्विटी के स्टॉक है, कोई मैंने फ्यूचर या ऑप्शन नहीं लिया है। ये तो मेरा प्रॉफिट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ट्रेड कैसे बनाए थे, हमने ट्रेड के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो फिर से मैं लेके जाऊंगा आपको चार्ट पे, और चार्ट पे ही आपको समझाऊंगा। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं दो स्टॉक के बारे में रिकमेंड कर रहा था आपको, सिप्ला और ओरो फार्मा, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। सिप्ला के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, सिप्ला में एक पैटर्न बना था जो मैं कई दिनों से बोल रहा हूं, और ये पैटर्न था दोस्तों शूटिंग स्टार। मैं बहुत दिनों से वाली बात बोल रहा हूँ कि सिप्ला टूटने वाला है, और सिप्ला जब भी आपको ऊपर मिलेगा तो बेच के चलिए। कई वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिप्ला के बारे में बताना चाहूंगा कि सिप्ला में यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार। और मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि जब भी सिप्ला ऊपर खुले तो इसको बेच के चलिए, फार्मा सेक्टर जब भी आपको ऊपर मिले बेच के चलिए। कई लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास, वो कल भी मैंने कल वीडियो में बताया था कि भैया फार्मा सेक्टर बेच के चलो। कई लोगों ने मेरे को पर्सनली मैसेज करे, कई लोग कमेंट भी है कि जी आप गलत एनालिसिस कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर तो बहुत तेज है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है इसकी वजह से फार्मा सेक्टर बढ़ेगा। तो वो ना मेरे को कंफर्मेशन मिल गई क्या कि मेरा चार्ट बोल रहा है कि वीक है, पूरी दुनिया कह रही है तेज है, इसका मतलब कि मैं सही हूँ। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको मार्केट में पैसा कमाना है, अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो लीक से आपको हटके चलना पड़ेगा। जिस जगह से रिटेलर जा रहा है आपको उस जगह से नहीं जाना, आपको दूसरी जगह से जाना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर रिटेलर बाय कर रहा है तो ऑपरेटर सेल करेगा, तो ऑपरेटर सेल करेगा तो आप भी सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो रिटेलर के अगेंस्ट है। तो रिटेलर बाय करेगा तो आप सेल करेंगे, रिटेलर सेल करेगा तो आप बाय करेंगे। तो मेजोरिटी के साथ आपको नहीं चलना है। कई लोगों ने बोला कि भैया फार्मा सेक्टर तेज है, तो मुझे कंफर्मेशन आ रही थी, हाँ लोग सब तेज बोल रहे हैं, मेरा चार्ट वीक बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पक्का गिरेगा। इस वजह से क्या हुआ कि बाजार जब आज पॉजिटिव ओपन हुआ तो मैंने पोजीशन शॉर्ट बनानी चालू कर दी, और मैंने मॉर्निंग में ही कुछ 9:30 बजे के आसपास पोजीशन बनानी चालू करी, और मैंने स्क्वायर ऑफ करी 3:20 पे।
यानी कि मॉर्निंग में ही मैंने पोजीशन बना के पूरे दिन उसका होल्ड करा और जितना बीच का मार्जिन था वो सारा मैंने आज इंट्राडे में खाया, वो भी कैश मार्केट में। और इतने बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं थे मेरे, सिर्फ 1000-1500 स्टॉक में ही मैंने काम किया था। मैंने और फार्मा में कुछ 1000 शेयर बेचे थे और सिप्ला के कुछ 2000 शेयर बेचे थे, बाकियों के किसी में 500 शेयर में काम किया, किसी में 1000 शेयर में काम किया, ज्यादा क्वांटिटी मैंने आज बनाई नहीं। उसके बावजूद भी मुझे पूरा प्रॉफिट क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में पोजीशन बनाई और उसको शाम तक राइड करा। ये राइड कैसे करते हैं, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, तो वही कॉन्फिडेंस मैं दोस्तों आपको देने की कोशिश करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था और काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आप, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दोस्तों बने हुए थे। ये क्या था, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है, ये शूटिंग स्टार है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, शूटिंग स्टार है। और इसके बाद दोस्तों अभी मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो गिरना स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये अभी तो गिरेगा दोस्तों, इसके बारे में बोलना चाहूंगा, अभी तो गिरना चालू होगा ये, तो कल भी आपको मिलता है तो कल दोबारा बेचिए, तो बट उसके लिए क्या कॉन्फिडेंस चाहिए, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों उस कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंगली ही अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप पैसा बना सकते हैं। अभी तो ये बहुत गिरेगा दोस्तों, मुझे जो लग रहा है ये, तो मुझे लग रहा है कि 550 रुपए तक स्टॉक आ जाएगा सिप्ला का, और मुझे कल मिलेगा ऊपर, मैं फिर बेचूंगा इसे, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी एनालिसिस में। तो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, नेगेटिव डाइवर्जेंस इसमें बने हैं, कंसोलिडेशन जोन है दोस्तों, और वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा ड्राई है इस एरिया में। तो अभी सिप्ला सेलिंग की रडार में है, अभी से और बेचिएगा। अब मैं दोस्तों अगले स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है ओरो फार्मा के बारे में। ओरो फार्मा में भी मैंने पोजीशन बनाई थी, तो ओरो फार्मा का मैं डेली का चार्ट आपको दिखा देता हूँ। तो डेली के चार्ट में दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, शूटिंग स्टार बना हुआ है, और आज मुझे फिर से ही ऊपर मिल गया था इधर, मैंने फिर इसको सेल करा, और सेल मुझे मैंने कुछ किया था इसको 662 के आसपास और 32 के आसपास मैंने कवर किया था, तो 33-34 हजार रुपए मैंने ओरो फार्मा में कमाए और सिर्फ 1000 शेयर बेचे थे। तो 30 रुपए का राइड मैंने किसमें लिया, ओरो फार्मा में लिया। कई लोग ट्रेड बनाएंगे ना तो 3-4 रुपए प्रॉफिट आएगा तो निकल जाते हैं, बट 30 रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपनी एनालिसिस में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि तभी आप पूरा प्रॉफिट राइड करेंगे। तो वही मैं आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था, नेगेटिव डाइवर्जेंस थे, वो एक अलग चीज है, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अभी ये भी गिरना चालू होगा, और ये भी स्टॉक मुझे 570 रुपए तक लग रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों हर कोई यूज करता है, मैं भी थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस देता हूँ, बट मैं ब्लाइंड एनालिसिस नहीं करता। ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया और मैंने ट्रेड बना दिया, ऐसा नहीं होता। मार्केट में ऑपरेटर बहुत स्मार्ट है, उसको पता है आपको क्या आता है, उसके लिए आपके एनालिसिस में आपको फंसा देता है। सारे एनालिस्ट, टीवी वाले बड़े बड़े एनालिस्ट, ब्रोकर सब कह रहे हैं फार्मा खरीदो, फार्मा खरीदो, बट ये फार्मा गिर क्यों रहा है, उसका रीजन क्या, उसका रीजन है क्योंकि रिटेलर भी खरीद रहा है इसको दोस्तों, आप समझे। रिटेलर खरीदेगा तो ऑपरेटर बेचेगा, और ऑपरेटर बेचेगा तो आपको कैसे पता चलेगा, आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपका चार्ट ही आपको बताएगा। तो दोस्तों इसको बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, ये गिरने का कारण क्या था मैंने आपको बता दिया, और मैंने भी इसमें उन दोनों स्टॉक में ट्रेड करके कुछ 70,000 के आसपास इनमें कमाया है। बाकी का जो मैंने 50,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट लिया वो दूसरे स्टॉक्स में लिया है, वो उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, तो मैं लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो सबसे पहले बोलना चाहूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब भी मार्केट में कोई पैटर्न बनेगा तो उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं लाइव मार्केट में, स्टॉक का नाम, उसका टाइम फ्रेम, उसका पैटर्न हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, वो भी लाइव मार्केट में। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा चार्ट एनालिसिस, आपको टेलीग्राम पे लिखना पड़ेगा चार्ट एनालिसिस, ये लोगो हमारी पहचान है, और यहाँ पे जाके फटाफट जल्दी से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, और आप भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप भी अपनी अर्निंग और लर्निंग दोनों साथ साथ करते रहिए, और इसका कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। तो पहला जो स्टॉक बताया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था माइंडट्री के बारे में, तो माइंडट्री के बारे में बताना चाहूंगा कि माइंडट्री आज हमने 913.90 रुपए पे, यहाँ पे लिख देता हूँ 913.90 रुपए पे हमने बोला था कि माइंडट्री में अपनी पोजीशन शॉर्ट बनाइए, क्योंकि माइंडट्री में डबल टॉप भी बना हुआ था। यहाँ पे मैं यहीं पे ही आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे डबल टॉप बना था, और इसका हाई और ओपन यहाँ पे लिख देता हूँ, हाई और ओपन क्या था, बिल्कुल सेम था। तो हाई ओपन सेम था, डबल टॉप पैटर्न था, और इसके साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दोस्तों इसमें दिख रहे थे, तो जिसकी वजह से हमने आपको बोला माइंडट्री को आप बेचिए। मैं इसके चार्ट पे ही आपको समझाता हूँ, तो जल्दी से मैं आपको माइंडट्री का चार्ट दिखाता हूँ, माइंडट्री के चार्ट पे ही हम समझेंगे कि आज इसमें क्या देखने को मिला। तो मैं इसका अवर्ली का चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे अवर्ली का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि अवर्ली के चार्ट पे ही समझेंगे, और ये देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल टॉप पैटर्न,
डबल टॉप, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी थे दोस्तों, काफी टाइम से डाइवर्जेंस आ रहे थे इसमें, हाई ओपन सेम था, हाई और ओपन क्या था सेम था यहाँ पे, और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों 913 रुपए का स्टॉक कितना आ गया था 66 के आसपास का इसमें लो भी बन गया था। तो देखिए दोस्तों कि 913 रुपए का स्टॉक 866 रुपए आ गया, वो भी इंट्राडे में। आपने क्या करा, आपने सिर्फ डबल टॉप देखा, नेगेटिव डाइवर्जेंस देखे, हाई ओपन सेम देखा, और भी कुछ एनालिसिस आपने करी, और इसके बाद आपने मॉर्निंग में ही ट्रेड बना के अच्छा प्रॉफिट लिया। तो ये मैंने आपको रिकमेंड किया था मॉर्निंग में ही, किसमें, टेलीग्राम चैनल पे। अब मैं दोस्तों आपको अगले स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा, वो स्टॉक है दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सन टीवी के बारे में। सन टीवी जो स्टॉक है इसमें पैटर्न आया था बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, मैंने यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर लिखा और इसमें डेली चार्ट लिखा, वो दोनों गलत था क्योंकि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है और H4 के चार्ट में बना है, डेली में नहीं बना, H4 के चार्ट में बना है, और यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। अभी 383 पे बोला मैंने इसे शॉर्ट करने के लिए, क्लोजिंग जो इसमें करी है, क्लोजिंग करी है दोस्तों इसे 378 के आसपास, तो 5 रुपए ये क्या स्टॉक अभी नीचे आया है, डाउन आया है। बट मैं दोस्तों बोलना चाहूंगा आपको, इसको अपनी रडार में रखिए, किसको, सन टीवी को, क्योंकि ये स्टॉक अभी और गिरेगा, और मुझे जो इसका टारगेट लग रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका टारगेट मुझे लग रहा है दोस्तों वो लग रहा है 370 रुपए के आसपास। पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक एजुकेशनल चैनल है, अगर आप हमारे बताए गए किसी स्टॉक पे कोई ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना होगा, तो प्रॉफिट भी आपका है और रिस्क भी आपका है। तो यहाँ पे मैंने सन टीवी के बारे में आपको बताया है। अगला स्टॉक दोस्तों मैंने जो बताया था वो था विप्रो का, विप्रो में भी एक पैटर्न बना था यहाँ पे देखेंगे, जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न, और 189.45 के आसपास बोला था शॉर्ट करने के लिए, और इसमें इसके बाद इसका जो लो बना था 181 के आसपास का इसमें लो बना था। इसके साथ बहुत सारे स्टॉक थे दोस्तों जो हमने रिकमेंड करे थे, जैसे M&M था, बायोकॉन था, बट वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट नहीं करा, पब्लिक चैनल में, वो हम प्राइवेट चैनल पे पोस्ट करते हैं, कुछ स्टॉक हम पब्लिक में करते हैं, बाकी सबके सब स्टॉक हम प्राइवेट चैनल पे पोस्ट करते हैं। अब मैं एक चीज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इस तरीके का एनालिसिस करना चाहते हैं और इस तरीके से प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मार्केट में काम करते हुए, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मुझे काम करते हुए कुछ 12 इयर्स हो चुके हैं, 9 साल से मैं टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं एडवांस टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाता हूँ, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ये सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ, और मैंने 28 वीडियो बनाई है दोस्तों, जिसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का कोर्स बनाया है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, डिमांड सप्लाई, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने इसमें कराई है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपकी एक्यूरेसी भी 70-80% हो जाएगी, आपको सिर्फ 1-2 महीने की प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे ऐड करता हूँ, मेरे 2 चैनल हैं, एक प्राइवेट चैनल है, तो ये मेरा पर्सनल चैनल है। इसमें क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो लाइव मार्केट में यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, किसमें, हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे, जो भी लाइव मार्केट में कोई भी स्टॉक में कोई पैटर्न बनता है तो वो उसकी फोटो क्लिक करके यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, जिससे दोस्तों क्या होता है कि ये जो ग्रुप है आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन का काम करता है। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जी स्टॉक में पैटर्न तो बन गया बट इतने सारे स्टॉक में कैसे ढूंढूं, तो इस ग्रुप में दोस्तों ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं वो चार्ट पोस्ट करते रहते हैं तो कोई भी स्टॉक आपसे छूटता नहीं है, तो दोस्तों इस ग्रुप में भी आपको मैं ज्वाइन करूंगा। तीसरा दोस्तों संडे मैं वेबिनार करता हूं, तो वेबिनार भी दोस्तों आपको फ्री मिलेंगे, तो आप मेरे से फोन पे बात भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड करूंगा, इसके साथ साथ मैं आपको फ्री वेबिनार भी दूंगा। फीस जो है दोस्तों इसकी वो 7999 है, वन टाइम फीस देनी है, फैसिलिटी मैं आपको लाइफ टाइम के लिए दूंगा, 28 वीडियोस है, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको अपने कोर्स के बारे में बताया, इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ आप ट्रेड कर सकें, जिसकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, जिसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, जिनका मोबाइल एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, जिनका सर्वर कभी हैंग नहीं होता, आपको ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि मतलब पता चल रहा है कि मार्केट वोलेटाइल हो रही है और ब्रोकर का जो सर्वर है वो हैंग हो गया, ट्रेड ही नहीं कर पा रहे, अगर ऐसी प्रॉब्लम भी आपके साथ होती है तो दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा कि अपना डीमैट अकाउंट आप एंजल ब्रोकिंग के साथ ओपन करा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में 20 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से वो ब्रोकरेज चार्ज लेता है, इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, फ्री डीमैट अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजल ब्रोकिंग का, वहां पे जाइए, उसको क्लिक करिए और उसमें फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको एंजल ब्रोकिंग से कॉल आएगा और कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे और आपका जो डीमैट अकाउंट है वो 4-5 घंटे में ओपन हो जाएगा।
दोस्तों इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूँ वो एंजल ब्रोकिंग में ही कर रहा हूँ, एंजल ब्रोकिंग के साथ ही ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक ब्रोकर को ही रिकमेंड करता हूँ, वो है एंजल ब्रोकर। तो इसमें जाके दोस्तों अपना फ्री डीमैट अकाउंट जल्दी से ओपन करा लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।